शहडोल नगरी निकाय की वोटिंग को शेष दो दिन रह गए हैं। इस बीच चुनाव समीकरण बिगड़ने वाले मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खांड नगर परिषद से सामने आया है, जहां लोगों ने भाजपा प्रत्याशियों का बहिष्कार करते हुए निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की। बीजेपी के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिले के अंतिम छोर खांड नगर परिषद में नगरीय निकाय चुनाव में कुछ अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। नगर परिषद खांड के 15 वार्डों में निकाय चुनाव होना है, जिसके लिए भाजपा व कांग्रेस सहित निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस बीच खांड नगर परिषद चुनाव में एक चौंकाने वाला नजारा सामने आया, जहां एक समुदाय भाजपा के विरोध में खड़ा नजर आ रहा है। भाजपा को वोट ना देने के लिए लोगों के घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं, साथ ही लोगों के घरों के बाहर दीवार पर पर्चे चिपका रहे हैं। बीजेपी के विरोध का वीडियो व फोटो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले को कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आड़े हाथों लेते हुए लोगों द्वारा भाजपा के इस विरोध को सही ठहराते हुए लोगों को जागरूक करना बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा जनहित के मुद्दों को छोड़कर केवल व्यापार कर रही है। वहीं इस मामले में व्यवहारी भाजपा विधायक का कहना है कि स्वयं का स्वार्थ सिद्ध नहीं होने पर कुछ लोग इस तरह की हरकत कर बगावत कर रहे हैं, जबकि जिन्हें मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे हैं वो मुद्दे हमारे घोषणा पत्र में शामिल है। कुछ लोग जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ है बीजेपी वाले जो है तो खाली आते हैं, भाजपा के लिए वोट ले जाते हैं, और मुख्यमंत्री जी आते हैं, घोषणा करते हैं कि हम आपको पट्टा देंगे, कॉलेज देंगे, घोषणा करके गए, लेकिन आज तक जो है तो कुछ नहीं हुआ। और अभी भी जो पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता जो भी आते हैं वो आज भी बोलते हैं हम देंगे, लेकिन कुछ गारंटी नहीं है कि हम देंगे। हमारा कॉलेज आया भी, हमारे बाढ़ सागर के लिए मुख्यमंत्री जी ने दिया तो विधायक जी ले गए अपने गांव में पपाउंद में, हाँ तो वो वहाँ ले गए। हम लोग क्या करें यहाँ, मतलब यहाँ तो ऐसा है कि वोट डालो, इन लोग ये बना लिए कि आप बाढ़ सागर के लोग भाजपा को वोट डाल दे और काम खत्म। जिले के अंतिम छोर खांड नगर परिषद की जो बातें, आमजनों ने जिस प्रकार से एक कंप्लेंट पोस्टर और बांटना शुरू किया है अपने अपने जनहित के मुद्दों को लेकर, चाहे वह स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे बस स्टैंड की हो, चाहे नाली और पीने के पानी को लेकर हो, पिछले कोरोना काल में ये परिषद न जाने कितने सालों से काबिज होने के बावजूद भी जनता की उस प्रकार की सेवा नहीं की, उपेक्षाएं हुई, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर रहे हैं वो लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से काबिज है वहाँ के नगर परिषद में, उन लोगों ने जनहित के मुद्दों को ध्यान नहीं दिया, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या वहाँ के विकास के कार्यों को, तो वहाँ वाजिब है लोगों में अब जागरूकता पैदा हुई है, लोग जागरूक होकर इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि वो जनहित के मुद्दों को नहीं, व्यापारिक परिस्थितियों में महानगर परिषद में पहुंचकर व्यापार करने के अलावा जनहित के मुद्दों को ध्यान नहीं देते। जैसे उस वहाँ पर आप देखे होंगे कई मुद्दे हैं, जैसे अस्पताल का मुद्दा, वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर, पानी के मुद्दे को लेकर, तो इस तरह की परिस्थितियाँ हर जगह पैदा हो रही हैं। अब लोग आजीज हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को नगर परिषद में स्थानीय शासन के निकायों में बैठाना चाहते हैं। आलम ये है कि खांड में लोग खुद जाके बहिष्कार कर रहे हैं और भाजपा को वोट न दे इसकी अपील कर रहे हैं, पंपलेट वगैरह भी लगा रहे हैं। नहीं, पंपलेट लगा रहे हैं, घरों घरों में पंपलेट पर्चे बांट रहे हैं टोलियों के आधार पर वो लोग, इस प्रकार से कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का और उनके सिंबल का बहिष्कार हम करते हैं, उन्होंने लिखा है। आप ये देखें, वो एकदम से परेशान हो चुके हैं, बेहाल हो चुके हैं रोजमर्रा की अपनी जिंदगी की परेशानियों को लेकर। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।